खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल है हमारे साथ, जो कि पार्लियामेंट के अंदर संसद के पास गांधी मूर्ति के पास यहां पर इन्होंने पोस्टर फाड़े हैं पानीपत फिल्म के। जिस तरीके से 1761 की लड़ाई हुई थी उसमें पानीपत फिल्म जो है रिलीज हुई है उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उस लड़ाई में महाराजा सूरजमल का जो योगदान था उसको गलत तरीके से दिखाया गया, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री से मिल करके आए हैं। क्या आप लोगों का विरोध है? देखिए, मैंने पार्लियामेंट के अंदर मामला उठाया, प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करें। इतिहास के साथ जो एक संस्कृति है, जो इतिहास है हिंदुस्तान का, हमारे यहाँ योद्धाओं ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी लगातार, बाहर के आक्रांताओं से, अंग्रेजों से हमारे हजारों लोगों ने शहादत दी, और हिंदुस्तान वीरों की धरती है। और वीरों के उनमें क्या आपत्ति? इस महाराजा सूरजमल का जो पानीपत फिल्म है इसमें महाराजा सूरजमल जी को एक लोभी लालची शासक के रूप में बताया, और इसमें ये बताया कि मराठों की इन्होंने मदद नहीं करी, जबकि हकीकत के अंदर स्टोरी दूसरी है। मराठों की मदद भी करी थी, अपने वहां भी शरण दी, जो घायल हो गए थे स्त्री बच्चे उनको भी रखा और वहां तक छोड़ गया है जहां से लड़ने के लिए आए थे। और महाराजा सूरजमल अजय शासक थे, उनको कोई जीत नहीं पाया। आगरा के किले को की मांग की थी उन्होंने एक साथ देने के लिए, और ये सारी बातें गलत है। आगरा तो उनका ही था, आगरा फतेहपुर फिल्म में दिखाया गया। आपके अनुसार ये दिखाया गया आगरा फतेहपुर सीकरी तो वो जब चाहते थे कब्जा कर लेते थे, और वहां के जो राजा और बाद के जो राजा थे उन्होंने तो अकबर की जो कब्र थी उसको खोद के और गंगा जल से स्नान करा के और उसको दफना, वो उसको वो दिया था अपने हिंदू रीति नीति से उसका। आप लोगों का कहना है कि सूरजमल की राय थी कि उस समय जाड़े में युद्ध ना हो, और इसलिए वो अहमद शाह अब्दाली हारे भी थे क्योंकि सदाशिव ने बात नहीं मानी। देखिए, मराठों का और जाटों का बहुत इतिहास के अंदर ऐसी लड़ाई जिसमें आपस में साथ दिया, और मराठे भी बहुत बड़े लड़ाके थे, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, और महाराजा सूरजमल बहुत बड़े लड़ाके थे, और इसीलिए आज उनको हिंदू राजा के रूप में भी आज जैसे पृथ्वीराज चौहान और महाराजा सूरजमल की बात आती है तो तमाम लोग गौरवान्वित महसूस करता, पूरा हिंदू धर्म उन पर। आपने क्या कार्रवाई की? प्रधानमंत्री से मिले? मैंने प्रधानमंत्री जी से मांग करी है, प्रकाश जावड़ेकर जी टेलीफोन पर मेरी बात हो गई। पहले मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया, कल पूरे प्रदेश में विरोध हुआ, राजस्थान के अंदर सिनेमाघरों में भी बच्चों ने विरोध किया। प्रधानमंत्री से मिले भी हैं? अब मिलूंगा प्रधानमंत्री से, आज अभी मिलूंगा मैं अमित शाह जी और दोनों से, इस फिल्म को बैन किया जाए या इन परिदृश्यों को हटाया जाए जिससे हमारे जाट समाज के साथ साथ हिंदुओं की तमाम 36 कौम के लोगों की, तमाम उन वीरों की जो राजस्थान की वीरता की इस भूमि के साथ जुड़े हुए, कहीं ना कहीं वो इस राजस्थानी होने का गौरव महसूस करते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस लगी है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिलीज हो गई, अब क्या करेंगे? रुकवाएंगे फिल्म को, राजस्थान में तो रुकवा दिया, बाकी रुका देंगे राज्यों के अंदर। आपकी डायरेक्टर से और निर्देशकों से बात हुई है? देखिए, डायरेक्टर को अब मेरी कोई बात नहीं हुई, बात करेंगे आज रात को जैसे समय मिलेगा। हम कोशिश करते हैं कि सरकार खुद ही करे और पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कानून बने कि कोई भी फिल्म रिलीज होने से पहले किसी समाज की भावनाओं को ठेस नहीं लग रही है, कोई गलत चित्रण नहीं हो रहा, इस तरह का भी एक सेंसर बोर्ड के अंदर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बाद में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं आए, आंदोलन जारी रहेगा। तो इस तरीके से हनुमान प्रसाद बेनीवाल जो कि कह रहे हैं कि जिस तरीके से महाराजा सूरजमल का चरित्र चित्रण किया गया है वो गलत है फिल्म में, और अगर इस फिल्म पर बैन नहीं लगा तो देश भर में आंदोलन करेंगे। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।